नहीं पलना चाहते बापूजी अब वनराज के टुकड़ों पे। काव्या के साथ मिलकर किया सीक्रेट मिशन शुरू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज बापूजी का ये रूप देख के बहुत अच्छा लगा। बापूजी हमेशा एनकरेज करते हैं और करते ही रहेंगे, ऐसा इस धारावाहिक में दिखाया गया है। आज बापूजी काव्या के पास गए और बापूजी की अपनी बहू से बहुत बनती है ये हमने देखा, चाहे वो अनुपमा हो चाहे काव्या हो। तो बात करते हैं बापूजी पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत बढ़िया मैसेज था बापूजी की बातों में कि जब इंसान रिटायर्ड हो जाता है तो वो बहुत ही खाली सा महसूस करता है, पैसों के लिए नहीं मगर फिजिकली बिजी रहने के लिए कुछ ना कुछ करने को मन करता है। नहीं तो इंसान को यही लगता है कि मैं एक कॉर्नर ही बन के रह गया हूं, जो पड़ा रहे या ना पड़ा रहे फर्क नहीं पड़ता। मगर यहाँ पे बापूजी अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं और साथ में ये भी दिखाना चाहते हैं कि मैं काम कर सकता हूं। उनको भी पता है कि अब अगर मैं काम करूंगा बाहर तो कोई काम नहीं देगा, मगर घर के अंदर भी वनराज से तो उम्मीद नहीं है उनको, क्योंकि वनराज तो फिर वही धकिया उसी बातें करेगा कि मैं बेटा हूं, मैं कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आप आराम करो। जब कोई इंसान किसी बुजुर्ग को ये कहता है कि आप आराम करो तो उसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज में अब इंटरफेयर मत किया करें, मैं ही डिसीजन लूंगा। आराम करो का मतलब ये भी होता है कि आप ये काम कर लो और ये आप जितना हो सकता है उतना कर लो। तो बुजुर्गों को भी लगता है कि हमारी आज भी ये जरूरत है घर में। इसी नोट पे वो काव्या के पास गए, उनको दिखा कि काव्या मेरी बात समझेगी और काव्या ने समझा। और ऐसा बिल्कुल हम समझ पाएंगे कि काव्या बापूजी को पैसे भी देगी और ये बापूजी को भी लगता है क्योंकि काव्या से वो पूरी तरह से इंप्रेस्ड है। इतनी देर बाद काव्या ने काम शुरू किया और काव्या के पास काम आया, मतलब काबिलियत तो है काव्या में। तो बापूजी ने जब काव्या से ये बात की तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे अब काव्या आगे बापूजी को जरूर पैसे देगी क्योंकि बापूजी तो अपना काम ईमानदारी से करेंगे, बल्कि इस उम्र में ज्यादा काम करने का मन भी करता है क्योंकि इंसान ज्यादा इधर उधर नहीं सोचना चाहता, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है जिसमें अगर इंसान खाली दिमाग रहे तो हमेशा अपने जाने का या मरने का ही उसके दिमाग में चलता रहता है कि पता नहीं कब चला जाऊं, उम्र हो गई है, ऐसी बातें करते हैं। तो बापूजी ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं, बापूजी अपने आप को बिजी रख रहे हैं और डेफिनेटली बापूजी को पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे और बापूजी का सर जो है अपने आप के लिए गर्व से ऊंचा होगा कि मैं अपने बेटे के टुकड़ों पे नहीं पल रहा। क्योंकि बेटों के टुकड़े पे पलना जो है ये उनके लिए सूट करता है जो बेटे रियलाइज करवाते हैं। वैसे तो वनराज ने कभी ऐसी बात रियलाइज करवाई नहीं है बापूजी को, मगर वनराज अपने डिसीजन ही लेता है, ये बापूजी को हमेशा ही प्रॉब्लम रही है और गलत डिसीजन लेता है। तो ये अब बापूजी ने एक नया रेवोल्यूशन शुरू किया है घर के अंदर की काम करना चाहिए। ये रेवोल्यूशन अब आगे भी और कईयों का साथ देगा तो मजा आएगा। तो क्या लगा आपको, कैसा लगा ये सीन जरूर बताइएगा कमेंट करके और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.